हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों पांच पांच क्वेश्चंस के लिए छोटे छोटे फाइल्स ये तैयार किए मैंने। पार्ट सिक्स पे हम आ गए हैं। कंपटीशन के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो एक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है। पार्ट सिक्स में क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए सेल फ्लोज करेंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन कर्व बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल वी एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि सेल से अगर करंट फ्लो हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो करंट जीरो हो जाएगी अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, यानी पोटेंशियल ड्रॉप वी बढ़ते बढ़ते ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन चारों में से कौन सा ग्राफ मोस्ट रिलेवेंट है। ऑन द स्पॉट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो आपने चुन लिया अपना जवाब 1, 2, 3 और 4। इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज 3, जहां पर ये टेंडिंग टूवर्ड्स ई होगा, ये लिमिट लगेगी ई के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों कैसे। वी इक्वल टू ए माइनस आर से यहाँ से हम इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, एक सर्किट इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वी बढ़ेगा ई की तरफ। यहाँ टच करते हुए दिखाया, टच नहीं होगा, टच होगा इन्फिनिटी पर। जब आर इन्फिनिटी होगा तब ये ग्राफ टच करेगा यहाँ पर। सो दिस इज द सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का क्वेश्चन है। क्यू सेम है दोनों के लिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल वी सेम है और वो बी में एंटर कर रहे हैं। एक पार्टिकल रेडियस आर वन के पाथ पे घूमता है, दूसरा आर टू के पाथ पे। तो डेफिनेटली उनके मासेस डिफरेंट है, तभी वो अलग अलग रेडियस के पाथ में घूम रहे हैं। क्यू बाय एम रेशियो उनका अलग है। सो द रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई इज। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं इसकी, और ये है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स एफ इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। तो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो करेक्ट आंसर इज आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। कैसे? रेडियस के लिए हमने फॉर्मूला कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, फिर पोटेंशियल के टर्म्स में। तो ये 1 अपॉन बी टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 एम बी अपॉन क्यू आता है। तो यहाँ से रेडियस प्रोपोर्शनल आती है अंडर रूट ऑफ एम के। तो मास का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप, रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड है, टीआईआर पर बेस्ड, ऑप्टिकल फाइबर हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। मेड ऑफ ए ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू, इसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कोर का रूट टू है 1.414। द आउटर कवरिंग जिसको हम क्लैडिंग भी कहते हैं ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट 3/2, जो कि डेफिनेटली इससे कम होनी चाहिए, जो कम है। वॉट इज मैक्सिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टी आई आर इन साइड द पाइप टेक प्लेस। रेफरेंस के लिए डायग्राम आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद एक्सिस ऑफ पाइप, आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि टी आई आर हो जाए, यानी उससे कम हुई तो टी आई आर नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, और सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट। रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देख सकते हो। टीआईआर का फॉर्मूला आपको पता है, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो अगर आपने सही जवाब निकाल लिया तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 45 डिग्री। कैसे? ये तो हो गया डायग्राम आई आर थीटा सी, इसको हम क्रिटिकल एंगल के बराबर मानेंगे। तो थीटा सी हम म्यू से निकाल सकते हैं, और फिर उससे 90 से आर मिल जाएगा और आर से हमें आई मिल जाएगा स्नेल्स लॉ लगाकर। दो मेथड है हमारे पास,
दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उससे आप कंक्लूड करके आई निकाल सकते हैं जो कि 45 डिग्री आ रहा है. सो जस्ट चेक इट कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी दैट वुड बी चेंज्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम 10 पावर माइनस 10 मीटर टू 0.5 टू 10 पावर माइनस 10 मीटर विल बी. कितनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ घटकर इतनी रह जाए. फॉर्मूला आपको पता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और पी को आप एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो जस्ट ट्राई इट, पॉज द वीडियो, कैलकुलेट कीजिए, डिफरेंस निकालना है आपको. तो बच्चों अगर आपने सही कैलकुलेशन किए तो सही रिजल्ट आपको मिलेगा 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास. कैसे हम देख सकते हैं आप, लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम, V1 150 वोल्ट निकल के आता है. काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने का सीधा तरीका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. लैम्डा 2 दूसरी सिचुएशन में तो वो निकल के आती 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता. कैलकुलेशन आसान है, इस तरह से ये सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 30, द करंट्स आई, आईजेड एंड आईएल आर रेस्पेक्टिवली. ये सर्किट एक आप देख रहे हैं, 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 किलो ओम का सीरीज रेजिस्टर और ये जेनर डायोड है जो कि लोड रेजिस्टेंस आरएल 2 किलो ओम को सप्लाई दे रहा है. जेनर वोल्टेज है 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पे अगर ड्रॉप होता है तो ये करंट कंडक्ट करेगा, आई जेड यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. हमें नेट करंट आई भी निकालनी है, आई जेड भी निकालनी है और आई एल लोड करंट भी निकालनी है. और स्टेडी स्टेट की बात हम कर रहे हैं, नेचुरल है, यहाँ और कुछ मेंशन नहीं है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट. और आपको सीक्वेंस भी सही रखना है, यानी सबसे पहले मेन करंट डेफिनेटली वो आई जेड प्लस आई एल के बराबर होगी. तो इसमें वैसे भी अगर हम देखें तो 7.5 + 5 = 12 यहाँ बैठ रहा है, यहाँ पर भी बैठ रहा है, 5 + 10 = 15 यहाँ पर भी बैठ रहा है. यानी पहले नंबर पर जो है करंट वो बाकी दोनों के सम के बराबर होगी, ये तो तय है. अब ये है कि आई जेड ज्यादा होगी या आई एल ज्यादा होगी वो आपको चेक करना और कितनी वैल्यू होगी. जस्ट पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट. तो अगर आप सही जवाब निकाल पाए तो वो है 12.5 मिली एम्पियर, ये तो होगी आई, देन 7.5 मिली एम्पियर ये होगी आई जेड और आई एल होगी 5 मिली एम्पियर. कैसे, कैलकुलेशन देख लीजिए. करंट आई इन 4 किलो ओम रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 माइनस 10 ड्रॉप होके बाकी जो बचा उस पर ड्रॉप होने वाला है डिवाइड बाय 4000 यानी 4 किलो ओम, तो 12.5 मिली एम्पियर. 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालते हैं तो उसका तरीका ये रहेगा, तो लोड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो 5 मिली एम्पियर, तो बाकी जो बचे वो है आई माइनस आई एल यानी 7.5 मिली एम्पियर. बच्चों ये हमने देखे क्वेश्चन नंबर 25 to 30. अभी 15 सवाल और बच रहे, टोटल 45 सवाल एक पेपर में है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस.